ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಅವರೋಧಂಗ उनको मुबारकबाद देता हूँ और जो जो एनजीओ है वो एनजीओ की तरफ से भी बहुत सेवा की जाती है। यकीनन एनजीओ वाले अपने बच्चों को छोड़कर हमारे डिजेबल बच्चों की सेवा करते हैं, तो उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्हें कई एनजीओ को और कई डिजेबल बच्चों को अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन इन्हें इसी तरह इंक्रेज करना चाहिए। इन बच्चों में एक किस्म का एक हेजिटेशन रहता है कि हम ऐसे माजूर है या इस तरीके से हम तकलीफ में है, मगर भगवान उन्हीं के साथ रहता है जो तकलीफ में रहते हैं। हमेशा हम भी यही चाहते हैं, इंसान वही होता है जो दूसरे इंसान की खिदमत करता है, उसे इंसान कहा जाता है, उसे इंसानियत कही जाती है। इसलिए आज के मौके पर मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आपकी सेवा करें, आपके तकालीफ दूर करें, आपको एजुकेशन दें और जिंदगी के हर में आप दूसरे लोगों की तरह सक्सेस हो और उनकी खिदमत करें। यही मैं हमारे एनजीओ से गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो सर्विसेज है उसे हम सलाम करते हैं। हमारी हुकूमत और हमारे सीएम साहब हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी हर तरीके से सपोर्ट करते हुए आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना जय। महानगर सीएम गारु डिजेबल कोसम चाला मंची पेद पेद स्कीम तीसुकोच्चारु। డిజేబుల్ కు డెవలప్ చేయాలంటే మా గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గవర్నమెంట్ లేదు అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. నేను శైలజా మేడం చెప్పినట్లా నేను ఫస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసినట్టు డిజేబుల్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేశాను. అప్పుడు మాకు చాలా గౌరవం, నా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తున్నారు, ఆయన వస్తే ఇట్లా అయితే మా ఫ్యామిలీ వచ్చినా మాకు అంతా సంతోషంగా ఉంది. మీ సేవ చేయాలంటే అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. దేవుడు మనకు మంచి సీఎం ఇచ్చాడు. మా అనుభూతి సీఎం గారు చాలా కష్టపడ్డ తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు.